वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हर बार की तरह आज भी मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ ऑटो केयर से रिलेटेड। तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आप घर पे ही बना सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट कार इंटीरियर क्लीनिंग के ऊपर है, जो कि ये मैंने घर पे बनाया है, थोड़ा हार्ड बनाया है। हार्ड बनाने की वजह ये है कि मैं कार आई थी मेरे पास इंटीरियर क्लीनिंग के लिए, तो उसका इंटीरियर डोर वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड था, जो कि नॉर्मल लिक्विड से नहीं निकल रहे थे। तो मैं सोचा यार कुछ थोड़ा सा हटके बनाऊँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उसे कर दूँ। तो मैंने क्या क्या ऐड किया है इसमें वो आज आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको हेल्प मिले। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि आपके ये वीडियो काम आई है। और जिन जिन्होंने ट्राई किया है बाद में वो वीडियो पर आकर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स आते हैं तो कमेंट पढ़ते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। तो अगर कमेंट अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे कि हाँ यार हुआ था इससे फ़र्क, तो वो भी ट्राई करेंगे, उनके लिए भी हेल्प होगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में, आगे बनाने का प्रोसेस मैं बताऊंगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमें ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कोई भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा: ड्यूक सोडा, विनेगर और विम लिक्विड जेल। डिश वॉशर, आप डिश वॉशर कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक खाली बॉटल ले लूँगा हमारा सॉल्यूशन बनाने के लिए, इंटीरियर क्लीन करने का कार का। तो उसमें मैं आधी बॉटल पानी, थोड़ा सा विम लिक्विड जेल और उसके बाद में ड्यू सोडा डालूँगा थोड़ा सा। ये थोड़ा सा हार्ड लिक्विड रहेगा जो बहुत ज़्यादा ख़राब गाड़ी रहती है उनके लिए। और उसके बाद में मैं विनीगर डाल दूँगा इसमें। उसके बाद मैं कैप लगा लूँगा स्प्रे वाला और अच्छे से शेक कर लूँगा उसे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैस प्रोड्यूस होगा उसमें, क्योंकि वो थोड़ा मैं हार्ड बना रहा हूँ तो उसमें सोडा का यूज़ किया है, तो थोड़ा सा एक बॉटल थोड़ी स्ट्रेच होगी, फिक्र मत करना। तो अब आती है बारी टेस्टिंग की। तो मैं मास्किंग टेप लगा के बता रहा हूँ डिफरेंस बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, स्पंज यूज़ करना है। मैं स्पंज यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जहाँ पे मारना है आपको वहाँ पे स्प्रे करके स्क्रबिंग करना है कुछ ऐसे। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी और इसका निकल नहीं रहा था बहुत, तो मैं सोचा यार कुछ हार्ड लिक्विड बना के उसका सॉल्यूशन कुछ हार्ड बना के कुछ ट्राई करके देखो। तो मैंने ये किया तो इससे काम हो रहा है। तो देखिए पूरी गंदगी निकल रही है इसकी प्रॉपरली। गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी, बहुत डस्ट चिपकी हुई थी उसके ऊपर, इसलिए कुछ अलग ट्राई करना पड़ा। तो देखिए आपको फ़र्क लग रहा होगा या नहीं पता नहीं, मैं पेपर टेप हटा के बताता हूँ। अब देखिए फ़र्क। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, हेल्पफुल है नहीं है और कितना फ़र्क है ये आप खुद देख सकते हो। तो मैं पूरा गाड़ी तो नहीं करके बताऊँगा, ये पूरी गाड़ी करना है मुझे। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।